बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो है ना मैं आई हुई अपने खेतों में और माशाल्लाह से आज हवा देखो कितनी तेज़ चली हुई है, बहुत ही तेज़ हवा चली हुई है, खूबसूरत मौसम। मैं खेतों में अपने आई थी घास काटने के लिए, क्योंकि सुबह सवेरे के वक्त जो है ना ठंडा मौसम होता है, जितना भी कोशिश कर लें शाम के वक्त जो जितनी गर्मी होती है ना बहुत सख्त, जितनी भी हवा चल पड़े ना तो बंदे को लगती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो, हवा खा रहे हो? हाँ, और क्या कर रहे हो? अच्छा, अपने भाई के साथ आए? हाँ, अभियान घास काट दिया आया है अभी ज्वार का। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, देखिए कितनी हवा तेज़ चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। हाँ, तो अभी जो है ना आज हमने लकड़ी की कटाई करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे दिन हो गया कीकर की लकड़ी ख़त्म हो गई है और कीकर की लकड़ी के बगैर चूल्हे में आग अच्छे से नहीं जाती। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना खुश्क हो चुका है, इसकी लकड़ी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है सारे पूरे कीकर। अब जो है ना इसको 6 महीने बड़े मजे से जलाना है। हाँ, तो अभी बस ये देखे बीच में से एक दरख्त निकल गया है ना, तो अजीब सा माहौल नज़र आ रहा है और सब लकड़ियाँ जो है ना, ये देखे इधर जो है ना हमसायों का खेत है ये सामने, तो इधर पड़ी हुई थी सब की सब हमने काट के जो है ना ये देखे इधर सारी स्टॉक कर दी हैं, क्योंकि कीकर की लकड़ी के बगैर जो है ना फिर भी गुजारा नहीं होता। और माशाल्लाह से अब जो है ना काफ़ी दिनों तक ये चलती रहेगी, खुश्क लकड़ी है और माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही एकदम से अचानक से जो है ना इधर से बादल बने हैं और ज़ोरदार जो है ना मौसम एकदम से चेंज हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चली है, लेकिन एकदम से इस साइड से जो है ना अभी बहुत ही गहरे गहरे बादल बन गए। ये जो माहौल अजीब हो जाता है, तो वो कहते हैं ना कि दरख्त जो होते हैं ना वो धरती का जेवर होते हैं, अजीब सी हो जाती है। इधर देखें, ये मेरे ख्याल में तो आंधी है, आंधी है ना, अचानक से जो है ना ये देखें अचानक से बनी है ना ये, तो भी ये भी ये देखे अभी तुम 10-15 मिनट सवार करो देखो फिर। हाँ, ये 10-15 मिनट के बाद मेरे ख्याल में तो ये पहुँच जाएगी। दिन में सुबह सवेरे जो है ना काम करते करते फिर जो है ना थोड़ी देर बाद मेहमान आ गए उस घर में, तो काफी देर उधर टाइम गुजर गया, थोड़ी देर पहले वो चले गए, तो हमने सोचा कि अपना व्लॉग भी मुकम्मल करते हैं। और बाहर जब अंदर बैठे हुए थे, जब बाहर निकले तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि मौसम इतना प्यारा और खूबसूरत बन गया एकदम से। वालेकुम सलाम। अभी जो है ना इससे पूछते हैं कि रात को इसके साथ हुआ क्या था, क्या हुआ था? आंधी तो हमारे पास पहुंचने वाली है, जल्दी जल्दी से बात करो हसीब। वो देखो सामने आंधी आ गई, पता है आपको, जोरदार आंधी आ गई आते हुए, देखो आंधी था रात को। रात को बीमार हो गया था। बीमार हो गया था किसकी वजह से? एलर्जी की वजह से। एलर्जी किसकी वजह से हुई? आम खाने से। आम कितने खाए थे? तीन चार नहीं खाए थे, इतने सारे खाए थे नहीं, इतने सारे कोई आम खा, तकरीबन 10 आम खा गया कल ये। फिर और ये जो है ना फिर रात को बीमार हो गया, पूरी रात जो रहा शोर करता रहा और कहता था मम्मा जल्दी से पानी लाओ। आज ना मैंने इसको मना कर दिया कि आम के नीचे नहीं जा रहा, वो आंधी पहुँचाई है देखे माशाल्लाह से। जो है ना ये देखे वो आ रही है, वो देखे क्रॉस कर रही है, अब ये दरख्त ये क्रॉस कर रही है, तो मैं भागती हूँ अंदर, मेरा सामान भी पड़ा होगा। मैंने भी अभी भी एक आम खा गया। वाह वाह
पकड़ के चलना मुझे। आ गई आ गई आ गई है ये देखे। इतनी ठंडी हवा की पूरी ठंडी हवा है, ऐसे चलता जैसे एसी चला हुआ हो यहीं पे। मैंने कहा था ना 10 या 15 मिनट नहीं 5 मिनट गुजरे, आंधी आ गई। अभी जोर की नहीं है इतनी ज्यादा, ऐसे मट्टी उड़ी हुई है मट्टी। हाँ ऐसे जैसे कहीं से मट्टी ना उड़ के आ रही हो, और मट्टी जो है ना पीले कलर की मट्टी है, ऐसी मट्टी नहीं होती जो कहीं दूर से जैसे आ रही हो। रेतले इलाके से, रेतले इलाके से वाकई। हसीब को देखो, आंधी के बाद जो है ना हम उस घर में चले गए थे, आंधी उस वक्त जोरदार आ रही थी, एकदम से जोर जोर के झोंके आ रहे थे। तो एकदम से मैंने बताया भी था पहले कि हमारा किचन जो है ना वो उड़ा जा रहा है, तो फिर मैं उधर चली गई और वापस आई तो देखा तो किचन तो हमारा गिरा पड़ा है। ये देखे ये तो काफी टूट गया है, अब इसका क्या होगा। अदनान ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी गिरने वाली है। ये हाँ ईंटे लगी हुई थी, ये गिर गई, ईंटे की इसी तरह से कच्ची मट्टी से लगी हुई थी, ईंटे गिरी है तो ये साइड जो है ना नीचे गिर रही, नीचे आ गई है। शुक्र है नीचे पूरा नहीं गिरा, बिल्कुल बच गया। दीवार का आसरा हो गया, दीवार ये दीवार थी ना, दीवार का आसरा हो गया। बहुत ही मुश्किल हो गया, अब कैसे बनाएंगे। अब इसको ऊपर करना पड़ेगा, नीचे ईंटे देनी पड़ेंगी। अब बन जाएगा, देखते हैं कोशिश करते हैं। देखो कोशिश करो, फिर जो ना खाना भी तो शाम को बनाना है ना हमने अभी। वो देखो उसकी ईंटे भी, हाँ ये देखो एक मिनट इसकी हिल गई है। देखो तो इसको जो है ना यार हिल रहा है, डर लग रहा है ना। ऊपर अदनान ऊपर से दिखा सारा छप्पर ऊपर से तो बिल्कुल ही उड़ गया है, ऊपर चढ़ के दिखा ना जरा। और अभी इसको बनाना जरूरी है। ये देखिए बाकी के जो ऊपर थे ना वो भी नीचे गिर रहे हैं, हवा बहुत तेज चल रही है ना इस वजह से। अभी इसको बनाने की कोशिश, इसको नीचे उतार दे पहले थोड़ा, ये वाला जो नीचे गिरा हुआ है इसको नीचे गिरे इसको एक साइड पर कर लेते हैं। ध्यान से ऐसा ना कहीं फिर से गिर जाए, ऐसा ऐसा तो नीचे से मुझे जाने जाते हुए भी डर लग रहा है। ये कच्ची मिट्टी की लगी है इस वजह से, ये फिर मिट्टी ऐसे रख देते हैं, फिर जो है ना कल इसको अच्छी तरह से इसको बनाएंगे। हमने थोड़ा सा सपोर्ट का देकर आसरा कर दिया है और इसको मुकम्मल जो है ना कल बनाएंगे। अभी जो है ना फिर छत का अच्छी तरह से बनाना, फिर ना गिर जाए। ऊपर नहीं जाना, ऊपर फिर जाओगे देखिए आपको, ये ऊपर रखते ना ये फिर उठकर जो है ना उड़ेगा।
ये देखे हमारे किचन का क्या हाल हो गया है, सारा किचन बर्बाद हो गया। अभी मैं इसको झाड़ू लगाती हूँ, फैट गिरी है। और ये इधर से लकड़ियाँ है ना, इसको रस्से बंधे हुए थे, उधर से रस्से बंधे हुए नहीं है ना, इस वजह से वो साइड गिरी है। और क्या दी थी ना, अगर ये बंधा हुआ ना होता तो शायद सारा उड़ जाता था। पानी का छिड़काव इसलिए लगा रहे हैं कि हवा से उड़ता रहा, क्योंकि किचन में भी मिट्टी बहुत ज़्यादा अभी उड़ के आ रही है। शुक्र है कुछ बचत हो गई है, और जल्दी से हमने बहुत ही जल्दी जल्दी से कोशिश करके किचन को बना तो लिया है, लेकिन अभी मजबूत नहीं बना। कल जो है ना इसको दोबारा से धीरे पे बनाएंगे। अभी जो है ना खाना बनाते हैं काफ़ी टाइम लग जाएगा, वैसे भी आप आज बहुत देर हो चुकी है, आंधी की वजह से ना बहुत परेशानी हो गई है। तो इसीलिए आप लोगों से तो चाहते हैं हम इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे बहन भाई जो कोई भी नया मेरे चैनल पर आता है देखता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मेरी वीडियो शेयर भी कर दिया करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।